देख रहे हैं यह मांडर प्रखंड है और मांडर प्रखंड में मेन रोड पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। यहां पर इसलिए पुतला दहन किया जा रहा है कि आप जान रहे हैं झारखंड में स्थानीय नौकरियों पर भरने के लिए बाहरी भाषाओं को भी शामिल किया गया है। स्थानीय नौकरी को भरने के लिए बाहरी भाषा लाया गया है और उस बाहरी भाषा में है अंगिका, मगही, भोजपुरी और खड़ी उड़िया भाषा। इन भाषाओं को झारखंड में अगर लागू किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, झारखंड का परंपरा संस्कृति मिट जाएगा। इसीलिए झारखंड के लोग आज विरोध कर रहे हैं और विरोध करना बेहद जरूरी है। तो आज आदिवासी सरना महासभा के माध्यम से रांची जिला के मांडर प्रखंड में पुतला दहन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का और साथ में स्थानीय विधायक बंधु तिर्की का पुतला दहन करके सरकार का विरोध किया जा रहा है। और यह विरोध इसलिए किया जाना उचित है क्योंकि वास्तव में सही में हमारा झारखंड का संस्कृति और झारखंड का परंपरा बाहरी भाषा के अतिक्रमण से यहाँ समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम सभी को मिलकर इसको बचाने के लिए पहल करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, सरकार से विरोध करते हैं सरकार का कि वो बाहरी भाषा का मतलब यहाँ पर मान्यता दे रही है क्षेत्रीय भाषा के रूप में। और उम्मीद इस बात का है कि झारखंड सरकार सुनेगी और ज़रूर सुनेगी और सुन करके झारखंडी भाषा को बचाएगी और बाहरी भाषा को बाहर करेगी। क्योंकि झारखंड में 9 भाषाएँ हैं जिसमें से झारखंड के क्षेत्रीय भाषा 4 है और 5 अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी की भाषा है। इन भाषा का सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जा रहा है और उनको लागू भी किया गया है। लेकिन झारखंड के स्थानीय नौकरियों में अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया और बाहरी भाषा को लागू किया गया तो जाहिर सी बात है बाहरी लोग यहाँ पर आके भर जाएंगे और झारखंड के लोग भूखे मरेंगे। इसलिए यह आंदोलन बहुत ही जरूरी है और इसको रोकना अति आवश्यक है। इस तरह से पुतला दहन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जबरदस्त विरोध है, आदिवासी सरना महासभा यहां पर विरोध कर रही है और यह आदिवासी सरना महासभा आगे भी इसका आंदोलन जारी रखेगा और अलबत्त एकता चौक पर और विधानसभा पर भी घेराव करने का ये प्लान बना रखा है। झारखंड सरकार नहीं चलेगी। स्थानीय भाषा लागू करो।